समझ में आया वो? हाँ, जो बॉक्सेस बनाए हैं तो उससे पता चल जाएगा कौन सा स्टेशन कौन से बॉक्सेस में आ रहा है, फिर वहाँ से आप इजीली देख सकते हो कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है, वो भी एकदम। पे कभी वो ध्यान गौर नहीं किया है, लेकिन ये अभी 10 मिनट भाई साहब ने समझाया, उसके हिसाब से लगता है कि मैप से बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है और होना चाहिए। जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल सही मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा भाई, डिस्टेंस के लिए जानकारी बहुत ही अच्छी है। अभी हमको वसई का भी जानकारी था, नहीं था, वो भी मिल गया इधर से। और थाना का डिस्टेंस कितना है, 56 मिनट का है वीटी से, मिल गया। टाइमिंग का कितना डिस्टेंस का टाइम लग रहा है एक दूसरे स्टेशन पे, वो भी अच्छा लगा कि 3 मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है। सारे नंबर्स भी लिखे हुए भाई, ए नंबर्स पे, और पहले अल्फाबेटिक लिखा हुआ है कि ये नंबर्स पे ए स्टेशन मिलेगा, तो उसी हिसाब से बहुत इजी है। मतलब एक दफ़े जानने के बाद दोबारा ढूंढना नहीं पड़ता है, इमीडिएट अपने को मतलब जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। एक नंबर पे आने वाली गाड़ी 3 नंबर पे जाती है, और 3 नंबर पे 2 नंबर पे आने वाली गाड़ी 4 नंबर पे जाती है। इंटरनेट या उनके माध्यम से मेल के मेल के माध्यम से उनके रूम को पास इन करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, तो आपको लगता है इसका ऐप बनना चाहिए? ऐप होगा कोई काम नहीं। Yeah, first time, right?